जालसाजों पर शिकंजा कसने वाली और लोगों को सावधान करने वाली पुलिस खुद ही एक ठग के झांसे में आ गई। इसका हैरान कर देने वाला नमूना पनागर थाना क्षेत्र में सामने आया। हुआ यूं कि थाने में एक कॉल आया। ड्यूटी पर मौजूद सिपाही नरेंद्र पाटिल ने कॉल रिसीव किया तो बात करने वाले ने रौबदार अंदाज में खुद को एडिशनल एसपी बताते हुए सिपाही से थाना क्षेत्र स्थित एक पेट्रोल पंप संचालक के पास पहुंचकर बात कराने के लिए कहा। सिपाही भी तत्काल साहब का आदेश पूरा करने के लिए अपने साथी आरक्षक भूपेश सहारे को लेकर पेट्रोल पंप पहुंचा और अपने मोबाइल से साहब का नंबर लगाकर पंप संचालक से बात करने के लिए कहा। साहब ने पंप संचालक से 50,000 रुपए की मांग की और खाता नंबर बताकर उसमें राशि ट्रांसफर करवा ली। लेकिन कुछ ही मिनट में पंप संचालक समझ गया कि वह ठगी का शिकार हो गया है, इसलिए उसने अधिकारियों से संपर्क किया। सच्चाई सामने आते ही पुलिस कर्मियों के होश उड़ गए और पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। कई अधिकारी थाने पहुंच गए और फिर अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। हैरानी की बात तो यह है कि मोबाइल पर टू कॉलर में जालसाज के नाम की जगह एएसपी शो कर रहा था। एडिशनल एसपी रोहित कासवानी ने बताया कि शिकायत के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पूरे मामले की छानबीन के लिए एक अलग से टीम लगाई गई है। वहीं साइबर सेल की टीम भी मोबाइल नंबर के आधार पर उसकी लोकेशन पता कर रही है। जिस नंबर से एडिशनल एसपी बनकर ठग ने बातचीत की वह राजस्थान का नंबर है। वहीं जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए वह किसी घनश्याम मिश्रा के नाम का होना बताया जा रहा है। घनश्याम मिश्रा के अकाउंट से फिर तीन लोगों को पैसे ट्रांसफर हुए हैं। अकाउंट को ब्लॉक करवा दिया गया है जिससे पैसे वापस मिल जाएंगे। साथ ही जल्दी एक पुलिस टीम आरोपियों की धरपकड़ के लिए राजस्थान जाएगी। पनागर में सुबह 10:30 बजे यह एक मामला आया कि उन्होंने थाने पर फ़ोन किया एक व्यक्ति ने। उसने बोला कि मैं एडिशनल एसपी जबलपुर बोल रहा हूँ और आप तुम यहाँ पर पेट्रोल पंप जाओ पास में और मेरी बात कराओ। और उसके बाद इन्होंने चेक किया तो जो ट्रू कॉलर पर एडिशनल एसपी जबलपुर आ रहा था उस नाम। उसके बाद थाने से दो कर्मचारी हमारे गए, वहाँ उनकी बात कराई और हमारे कर्मचारी वापस आ गए। बाद में पता चला कि उस व्यक्ति ने पेट्रोल पंप संचालकों से कुछ 60,000 रुपये की मांग की और उसने वो आरटीजीएस के माध्यम से डलवा भी दिए। इस प्रकार जब यह बात खुली, थाने में रिपोर्ट आई तो तत्काल हमने अपराध पंजीबद्ध किया। साइबर सेल से डिटेल निकाली गई तो पता चला कि यह एक राजस्थान का गैंग है जो जूठा पुलिस बनकर ऐसी हरकतें कर रहा है, ऐसा अपराध करता है। इसमें जो पैसे गए हैं वह एक घनश्याम मिश्रा के नाम से एक अकाउंट था उसमें पैसे गए हैं और उससे तीन अकाउंट में गए हैं। तो यह अकाउंट हमने ब्लॉक करा दिए तो वो पैसे रिटर्न हो जाएंगे और जो भी यह गैंग है उसके लिए हमारी टीम शीघ्र ही राजस्थान भेजी जाएगी और इन आरोपियों को पकड़ा जाएगा। और भी कहीं ऐसी घटनाएं हुई है? पूर्व में ऐसी घटना कटनी में हुई है और इसके अलावा भोपाल और इंदौर में भी ऐसी घटना पूर्व में होने के में सुनने में आया है कि वहाँ भी इस तरह पुलिस के अधिकारी बनकर पैसों की मांग की गई है। ऑनलाइन ठगी करने वालों के हौसले इस कदर बुलंद हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे अब पुलिस वालों तक को नहीं छोड़ रहे हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस तरह के कॉल आने पर लोगों को सतर्क रहने की नसीहत देने वाले पुलिस के जवान ही ठगों के चंगुल में फंस रहे हैं। ऐसे में आम जनता का क्या हश्र हो रहा होगा यह आसानी से समझा जा सकता है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए जबलपुर से प्रवीण नामदेव की रिपोर्ट।